व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन। लेटेस्ट वैकेंसीज जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको नोटिफाई कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसका एडवर्टीजमेंट, जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी हुई है, आप लोग देखिए। आप लोग अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। तो देखिए, सबसे पहले एक वैकेंसी आई है राजस्थान की तरफ से। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, 17 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस 1000 रुपये है, ठीक है। 217 टोटल पोस्ट हैं, और कौन कौन सी पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये बता दे रहा हूँ। पहले डिपार्टमेंट का नाम आप लोग जान लीजिए, रिको इसको शॉर्ट में कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसमें आप लोग अप्लाई कौन सा कर सकते हैं, अब जिनको टाइपिंग आती है उनके लिए तो अच्छी बात है। जूनियर असिस्टेंट की टोटल 80 पोस्ट हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टेनोग्राफर, जिनको स्टेनो आती है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना आप समझिएगा कि 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए सीनियर सेकेंडरी मांगा हुआ है, 12th मांगा हुआ है, और कंप्यूटर का आपके पास कोई नॉलेज होना चाहिए, या फिर ओ लेवल हो, या फिर CCC सर्टिफिकेट हो, या फिर कोई भी डिप्लोमा हो, चल जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट की भी यही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड आपकी, जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़िएगा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा हुआ एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फिर साफ साफ लिखा है, डिप्टी मैनेजर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, जूनियर लीगल ऑफिसर। अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी हो गई यूपी वालों के लिए। IIT कानपुर की तरफ से वैकेंसी आई, रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी आपके लिए एक वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट। और कुछ लोग हैं जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग भी, हालांकि एक ही वैकेंसी है ड्राइवर की, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, ये अलग अलग वैकेंसी दी हुई है, अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये साफ साफ जूनियर सुपरिंटेंडेंट दिया हुआ है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट दिया हुआ है, जूनियर टेक्नीशियन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी फ़ीस हालांकि ज़्यादा है, ठीक है, और इसका भी डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। हालांकि एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, डिज़ायरेबल और एसेंशियल क्या होता है। एसेंशियल में तो आपका होना ही चाहिए, डिज़ायरेबल में अगर नहीं भी चलेगा, मतलब अगर आपके पास नहीं भी है तो चल जाएगा, ठीक है। हालांकि जिनके पास होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए, एसेंशियल में क्या है, बैचलर डिग्री, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल में क्या है, कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जूनियर असिस्टेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, टोटल 10 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, मतलब जनरल कैटेगरी की 10 वैकेंसी है, और बाकी SC की 4 है। तो चूंकि आप UP वाले हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है, IIT है, तो इसमें आपके सभी सेंट्रल के रिजर्वेशन के रूल्स लगेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़िएगा, इसका एडवर्टीजमेंट टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको टाइपिंग आती है, जिनको स्टेनो आती है, आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो दे दिया है, ठीक है। जो वैकेंसी आ रही है, अगर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर आप को बहुत ज़्यादा नीड है गवर्नमेंट जॉब की, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।